Good morning, this bro. Good morning, bro. Good morning. अबे पेपर में ही गुजर रहेगा, तैयार नहीं होगा क्या? ऑफिस नहीं जाना है? अरे जाना है यार मिदुल भाई, जाना है। फ्लैट सर्च कर रहा हूँ यार, मैं बहुत दिन से फ्लैट सर्च कर रहा हूँ, कोई अच्छा सस्ता फ्लैट नहीं मिल रहा है यार। मेरी मान तो चादर जितनी लंबी होती ना, पैर उतना ही फैलाना चाहिए। सब्र कर थोड़ा, अभी कुछ और पैसे कमा ले, फिर क्या खरीद लेना यार एक अच्छा सा फ्लैट। जस्ट बी पेशेंस यार। अरे इतना टाइम नहीं है यार, मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करना है और सेटल होना है। जल्दी कर थोड़ी, जिंदगी भर किराए कमरे में रहूँगा। ठीक भाई, जैसा तुझे सही लगे। अच्छा मैंने वो नाश्ता बना दिया है, मुझे ऑफिस निकलना है, नाश्ता कर लेना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, ओके बाय बाय। इतना सस्ता फ्लैट, इतनी अच्छी लोकेशन, इतना कम दाम। एड्रेस नोट करता हूँ। अब चलता हूँ, पता करता हूँ। हेलो मिस्टर। हाँ विकेश। ओह हेलो जी, हेलो, आई एम सचिन, बैठिए। थैंक यू। तो बताइए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आज मैंने ऐड पढ़ा था आपका रिग्लाइश ऐड पेपर में, ये एड्रेस नोट किया है मैंने, ये किसी मिस्टर लाहौटी का है। हाँ मिस्टर लाहौटी का फ्लैट है ये, पता करना है मुझे इसके बारे में। लिखी कैसा है? हाँ सर, फ्लैट भी बहुत अच्छा है और लोकेशन भी अच्छा है और सही भी है एंड रेडी टू लीव। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सस्ता क्यों है इतना फ्लैट, इसका जरा बताइए। कम से कम इसका दाम 35 लाख तो होना चाहिए था। सर बात ऐसा है, ये फ्लैट पहले मिस्टर लोहटी का था, उनका हो गया डेथ, उनका एक ही लड़का जो बचपन से अमेरिका में रहता है, उसको यहाँ का रेट वगैरह पता नहीं। उसने मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि भैया मेरा फ्लैट 15 लाख में बेच दीजिए। मैंने भी सोचा कि किसी नेक आदमी का भला हो जाए। ठीक है, मेरी तरफ से फाइनल समझिए, आप फ्लैट दिखवा दीजिए मुझे।
और पेपर वगैरह फाइनल करवा दीजिए। अरे सर चिंता ना करिए, एक हफ्ते के अंदर फ्लैट आपका होगा। ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, आप मुझे अपडेट कर देना ना, नंबर तो ही आपके पास, ठीक है जैसा होगा बता दीजिए। ठीक सर, चलो बाय। ओके सर, थैंक यू। अरे भाई साहब एक मिनट, मेरा नाम धीर है। आप बताइए क्या बात है। भाई साहब आपके बात सुना था अंदर बहुत ध्यान से, मैंने सुना है कि वो वाला फ्लैट आपने फाइनल कर दिया है। हाँ कर दिया है, आपको कोई दिक्कत? नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था उस घर में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब कैसी गड़बड़? भाई साहब ये घर पहले मिस्टर लाहौती का था, उनका मर्डर इसी घर में हो गया था। क्या मर्डर? जी हाँ, और अब ये सुनने में आता है कि उनका आत्मा इसी घर में भटकता है, जो भी आता है इस घर में रहने के लिए उनको ये घर कुछ दिन के बाद छोड़ कर जाना पड़ता है। कहना क्या चाहते हैं आप? भाई साहब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वो घर आप मत लीजिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतना अच्छा फ्लैट इतने कम दाम में मिला है और मैं फ्लैट लेके रहूँगा। आप लोग प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनाइए लोगों को और अफवाह फैलाना बंद करिए। ठीक है भाई साहब, मेरा काम था आपको बताना, जैसे आप ठीक समझे। आइए विकेश जी, आइए आइए। विकेश जी ये रही आपके फ्लैट की चाबी, आपको आपका घर बहुत बहुत मुबारक हो। अरे थैंक यू सचिन जी, ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है। अरे थैंक यू विकेश जी, और कोई जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ। बाय सर।
कौन? अरे गाड़ी कहाँ चली गई? हेलो। हाँ विकेश भाई, क्या हाल चाल और नए घर में कैसा लग रहा है? हाँ मृदुल भाई सब ठीक तो है यार, लेकिन दिक्कत चल रही है यार। एक यार मैं रोज ऑफिस से लौटता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी ब्रेड गायब है। सोच रहा हूँ यार पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊँ यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे पागल है क्या, ब्रेड के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाएगा? हो सकता है बिल्ली खा जाती हो। एक काम कर, कैमरे लगा के ऑफिस जा, जब वापस लौट के आएगा सब पता चल जाएगा। हाँ यार क्या आइडिया दिया भाई, इसको अप्लाई करता हूँ मैं। चल ठीक है।
ओके बाय।
अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ क्या हुआ? इतना घबराया क्यों? भूत भूत वो फ्लैट जिसका फ्लैट था उसमें भूत। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा यार, तूने कैमरा लगाने के लिए बोला था ना, देख सब रिकॉर्ड हुआ। क्या बोल रहे हो यार तुम? देख यही मेरी ब्रेड चुराता था। परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। एक काम कर, चल सो जा, आराम कर तू, भेज दो को। सोचो मैं नहीं जाऊंगा, सोचो मैं हूं ना, भेज दो, सोचो घर को भेज दो। सोचो तुम, सोचो घर को भेज दो, घर भेज दो, घर में जाओ, सामान मेरा सामान ले आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, घर भेज दे। तुम सो जाओ, सो जाओ, आराम करो, तुम आराम करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सो जाओ, सो जाओ, भेज भेज। हेलो, हाँ जी, जेके प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहे हैं जी, क्या आपके मैनेजर विकेश से बात हो सकती है? क्या एक हफ्ते से ऑफिस नहीं गए? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।
सचिन हूँ, आप मृदुल जी हैं? जी आइए। मैंने आपको इसलिए बुलाया था, विकेश को तो आप जानते ही होंगे। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो है कहाँ और आप कौन है? मेरा नंबर आपको कौन दिया? मैं उसी का दोस्त हूँ, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया, साथ में और भी बहुत कुछ बताया। क्या मतलब? मतलब ये, एक छोटे से अंधविश्वास के नाते मेरा दोस्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। क्या? जी हाँ, वो मेंटली बीमार हो चुका है। आपकी ऑफिस में धीर नाम के किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि इस फ्लैट में भूत रहता है। ये छोटी सी बात उसके दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ गई कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और उसे ये सब सच लगने लगा। क्यों लोग अफवाहें फैलाते हैं आखिर? क्यों इस पढ़े लिखे जमाने में लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? इससे किसी का क्या फायदा होता है? हर साल न जाने कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार होता है, लोगों की बलि दी जाती है, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज हर साल बेकार हो जाती हैं, बीमारी को आत्मा का नाम बता करके बीमारी को और बढ़ा दिया जाता है, कभी कभी तो बीमारी को भगवान का नाम बता दिया जाता है कि माता आ गई माता आ गई, और पता नहीं क्या क्या होता होगा। लेकिन एक बात समझ जाइए, अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये होती है तो सिर्फ और सिर्फ बीमारी। खैर मेरे दोस्त के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ किसी दूसरे के साथ ऐसा मत करिएगा। ये रही आपके फ्लैट की चाबी, जब बिक जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चला।